तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीआईडी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी सैलरी से लेकर। तो दोस्तों, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सीआईडी ऑफिसर को कितना वेतनमान दिया जाता है। जब लोग आप किसी चीज़ में आवेदन करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी सैलरी के बारे में जानते हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो सके। और दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने जा रहे हैं कि सीआईडी ऑफिसर की सैलरी यानी वेतन कितना दिया जाता है। हम आपको एक एक करके बताएंगे कि सीआईडी ऑफिसर को किस तरह से वेतनमान दिया जाता है। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा सीआईडी ऑफिसर के कार्य क्या होते हैं और सीआईडी ऑफिसर किसे कहते हैं। सीआईडी ऑफिसर को किसी भी चीज़ की छानबीन करने में निपुण होते हैं। और आपको बता दें, अब सीआईडी ऑफिसर के वेतन की बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों, आप भी जान लीजिए कि सीआईडी ऑफिसर को कितना वेतन दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए, चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि एक सीआईडी ऑफिसर को कितनी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, सीआईडी अधिकारी का वेतन, सीआईडी में कई विभाग होते हैं, हर विभाग का वेतन अलग अलग होता है। एक सीआईडी अधिकारी को औसत वेतन शुरू में 1,70,000 रुपये प्रतिवर्ष से लेकर 2,00,000 रुपये तक दिया जाता है। और इसके साथ ही यह वेतन उम्मीदवारों के अनुभव और स्तर के आधार पर बढ़ता रहता है। औसत वेतनमान एक सीआईडी अधिकारी के वरिष्ठ स्तर पर 7,00,000 रुपए से लेकर प्रतिवर्ष 11,00,000 रुपए तक हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में सीआईडी के वेतन के बारे में जानकारी दी है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को अपनी सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी काफ़ी मदद मिल सके। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।